कि जब जब बेटी नोची गई है भारत माता रोती है, अरे भगोड़ो तुम क्या जानो बेटी की इज्जत क्या होती है। जो अपने घर को नहीं संभाल पाया देश संभाल रहा, इससे बड़ा विडम्बना क्या होगा। कि जब जब बेटी नोची गई है भारत माता रोती है, अरे भगोड़ो तुम क्या जानो बेटी की इज्जत क्या होती है। तो आज दलित की कल सवर्ण की एक दिन सबकी बारी है। आज दलित की कल सवर्ण की एक दिन सबकी बारी है। बलात्कार वो क्या रोकेगा जिसके मंत्री नेता विधायक सब बलात्कारी हैं। साथियों अभी हम लोग जो है लखनऊ में हैं। लखनऊ में जहाँ पे बहन मायावती जी ने अपनी विचार संगोष्ठी की थी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आइए हम बात करते हैं विचार संगोष्ठी में जो है उनको क्या मिला सीखने को। तो सर आपका परिचय? अलगुराम भारती मिर्जापुर से आए हैं, मंडल सेक्टर प्रभारी हैं। अभी जो है बहन मायावती ने जो विचार रखा 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का जो दिशा है वो बदल देंगी, उस पर आपके क्या विचार है? एकदम 100% बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। आपको क्या लगता है कि कितने सीटों पर जीत होगी? स्पष्ट बहुमत 300+। नहीं अभी उधर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो है भाजपा भी बड़े बड़े बोर्डों में जो है 350 पार का दावा कर रही है। भाजपा का कोई चिल्लाने का मतलब नहीं, इस बार निकलेगा भाजपा हवा में उड़ जाएगी। भाजपा इस बार 20% रोड पर सिमट जाएगी। जिस तरह से सर्वजन समाज जुड़ रहा है उस पर क्या विचार है? बहुत अधिक संख्या में सर्व समाज इस बार जुड़ रहा है। ब्राह्मण समाज को जुड़ने से बसपा का ग्राफ इतना बढ़िया बढ़ा है कि सब इसके आगे हवा हवाई हो जाएंगे, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो। जो है देखा जाए तो मानवर कांसी राम साहब जो है 15 और 85 का एजेंडा चलाए थे, उस पर क्या रहा? देखिए समय परिस्थिति हमेशा बदलता है। उस समय वह समय परिस्थिति था, उस समय मानवर साहब अपने हिसाब से राजनीति किए, लेकिन आज का जो परिवेश है, बहन जी का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा पर बहन जी काम करती हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी काम करती है, तो उसके तहत सबको जोड़ना पड़ेगा ना, सबको लेकर। अभी एक पार्टी और निकल कर आ रही है जो अपने ही समाज से है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उस पर क्या विचार? भाजपा का प्रोडक्शन है, वो भाजपा का प्रोडक्शन है, भाजपा से पैसा लेकर भाजपा ऐसे मतलब बसपा को कमजोर करने के लिए अपना रणनीति बनाकर छोटे छोटे लोगों को सहयोग करके चला रही है। बसपा से उसका कोई तालमेल या मतलब नहीं है ना, बसपा को कोई नुकसान है? नहीं, बहुत लोग जो है कहते हैं सोशल मीडिया पे, और कल भी पढ़ने को मिला, वो कहीं ना कहीं बसपा को हानि पहुंचाएंगे, वोट काटेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बसपा को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने देखा बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर से कोई दिक्कत नहीं, आपका परिचय? मेरा नाम रमेश कुमार पांडे है, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ मिर्जापुर से। ये जो अभी जो भाजपा की नीति है और जो कार्य करने का तरीका है, इससे पूरा देश आहत है, पूरा प्रदेश आहत है। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ये अपने योगी जी का कि देख गरीब की सिसकती बेटी, कि देख गरीब की सिसकती बेटी जिसकी असमत लूटी है, हमके न्याय दे दे बाबा कह के बिटिया रोती है। ये भी घटना घटा था और उसका क्या रिजल्ट आया आप लोगों के सामने है कि देख गरीब की सिसकती बेटी जिसकी असमत लूटी है, हमके न्याय दे दे बाबा कह के बिटिया रोती है। और जब जब बेटी नोची गई हैं भारत माता रोती हैं। जो नारी है जो लड़की है वो किसी जात धर्म धनी अमीर गरीब की नहीं है, वो हिंदुस्तान की नारी है। और जब जब उनके ऊपर अत्याचार होता तो निःसंदेह भारत माँ के हृदय पर घात होता है। ये भाजपा वाले भारत माँ के हृदय पर घात कर रहे हैं कि जब जब बेटी नोची गई है भारत माता रोती हैं, अरे भगोड़ो तुम क्या जानो बेटी की इज्जत क्या होती है। जो अपने घर को नहीं संभाल पाया देश संभाल रहा, इससे बड़ा विडम्बना क्या होगा। कि जब जब बेटी नोची गई है भारत माता रोती है, अरे भगोड़ो तुम क्या जानो बेटी की इज्जत क्या होती है। तो आज दलित की कल सवर्ण की एक दिन सबकी बारी है। आज दलित की कल सवर्ण की एक दिन सबकी बारी है। बलात्कार वो क्या रोकेगा जिसके मंत्री नेता विधायक सब बलात्कारी हैं।
प्रश्न करना चाहूँगा कि आधी रात को लाश जलाकर, आधी रात में लाश जलाकर बेटी को न्याय मिल पाएगा? अय मोदी जी हमें बता दो, अच्छा दिन अब कब आएगा? यही अच्छा दिन है? अभी आप देख रहे हैं कि अब तो खूनी संघर्ष करा दी, अब तो खूनी संघर्ष करा दी जवान किसान के रिश्तों में। जवान किसान एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, भाई भाई माने जाते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर आप देखे होंगे कि जवान किसान आमने सामने खड़े हो गए। अभी लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है, परसों भी जो है मुजफ्फरनगर में आंदोलन चला, लेकिन जो है योगी सरकार को, केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर क्या विचार? तो वही तो, अब तो खूनी संघर्ष करा दी जवान किसान के रिश्तों में, हमारी जमीन हड़पने चले हो मात्र 2000 के किस्तों में, दो दो हजार रुपया दे करके मुफ्त में जमीन हड़पने के चक्कर में लगे, अंबानी को देने के चक्कर में लगे, तब प्रश्न करना पड़ता है कि अब तो खूनी संघर्ष करा दी जवान किसान के रिश्तों में, हमारी जमीन हड़पने चले हो मात्र 2000 के किस्तों में। तो काला धन ना देश में आया, वादा किया था ना काला धन 100 दिन में लाएंगे, तो काला धन ना देश में आया, 2 करोड़ रोजगार का वादा झूठा है। अरे अंबानी के चमचा तुम हो, तुमने देश को लूटा है। अभी फिलहाल देखा जाए तो बहुत सारे जो है सरकारी चीज़ें जो है निजीकरण किया जा रहा है, उस पर क्या ध्यान है, क्या विचार है? बस बेच करके अपना भरेंगे, उद्योगपति मित्र जो है उनका पेट भरेंगे, देश को बेच डालेंगे, धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर डालेंगे, जब जब निजीकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आरक्षण ध्वस्त हो जाएगा, तो जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएगा। ये तो भाजपा की नीति है, ये देश को गर्द में ले जा रहे हैं। अब तो हर वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, इनसे अपना देश बचाना होगा, ऐसा ना हो कि पुनः ये गुलाम कर दे देश को, समझ रहे हैं? तो अब तो बिल्कुल ब्राह्मण समाज, जो अत्याचार ब्राह्मण समाज को हुआ है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भगवान परशुराम और क्षत्रियों का विनाश किए थे, उसी का बदला योगी आदित्यनाथ इसमें ब्राह्मणों का विनाश करके ले रहे हैं। अब देखा जाए तो जो है यूपी सरकार में योगी सरकार जो है कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, उस पर क्या विचार है? कट्टर हिंदुत्व है कहाँ? हम कह रहे हैं उनके आधा से ज़्यादा नेताओं की लड़कियां मुसलमानों से शादी कर ली, तो कट्टर हिंदुत्व क्या है? और कुछ दिन बयानों में वो भी ये कहे थे कि हनुमान जो है, बजरंग बली जो है, दलित जात से आते हैं। अब क्या किया जाए, ये झूठ बोलने माहिर है, भगवान करे भगवान कोई जातियाँ नहीं होती है, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। अब भगवान गौतम बुद्ध की, बाबा साहेब की, या पेरियार स्वामी की कोई जाति है? कोई जाति नहीं है। इनको बस ये बांट करके वोट लेने का प्रयास, झूठ बोलने का प्रयास, कोई भगवान की कोई जाति नहीं होती है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, सर्व समाज जो है भाजपा सरकार से खफा है, बहुत ही ज़्यादा खफा है, और अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ तेज़ी से जुड़ रहा है। इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।